दफ़ा उनका प्लान ये है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे, और अगर सक्सेसफुली 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो फिर इंडिया वुड बी द फोर्थ कंट्री टू लैंड ऑन द मून। और ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है, एक चाइना, रशिया और अमेरिका के बाद अब इंडिया जो है, मतलब आप खुद देख लेना कि मतलब कितने बड़े बड़े कंट्रीज़ के साथ इंडिया का नाम अब लिया जाने लगा है। हम लोग जब बात करते हैं ना, मतलब लाइक आप, मैं या हम में से कोई भी जब बात करते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान, तो अब वो सूट नहीं करती बात। हमारी जो IQ लेवल है, जो सोच का लेवल है, यकीन जाने वो फुट एक पाँव से नीचे है। यकीन हकीकत यही है, आप इंडिया का नाम किसी गाँव में ले लें, वो कहते हैं यार तू तो सारा दुश्मन है, मारने तक जाएंगे। आप उनको समझाओगे यार ये देखो, वो क्या था ना, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, वो पहले आप तो पढ़ दो। दुश्मन के बच्चे पढ़ के चंद्रयान चढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर जो पढ़ता वो खुद जात बन जाता है। इतना बड़ा मिशन होने जा रहा है, 650 करोड़ का खर्चा किया गया है, 4 सालों की इंडिया के साइंटिस्ट की, इसरो की मेहनत है, लेकिन पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है चंद्रयान 3 क्या है। इसकी बेसिक जो वजह नज़र आती है ना हम लोगों को, जो यूथ को नज़र आता है, इस लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ एजुकेशन। हमारा एजुकेशन क्वालिटी अच्छा नहीं है। अगर एजुकेशन क्वालिटी अच्छा होता, हमने इंटरेस्ट लिया होता, तो हमें पता होता कि चंद्रयान 3 क्या है। 1, 2 तो भूल ही जाओ, चलो 3 का तो हमें पता होता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये भी पता होगा कि स्पार्को क्या है एंड इसरो क्या है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद नाज़िम। इंडिया ने कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है, जिसकी कॉस्ट 650 करोड़ है, और ये इसरो का अब तक का सबसे मुश्किल मिशन होने वाला है। 2019 में इंडिया ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जो कि लैंड नहीं कर पाया था, जिस पर पाकिस्तान की अवाम ने इसरो को और भारत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया था। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमना कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आमना, इंडिया ने आज कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है, आज मैंने लाइव देखा, यकीनन आपने भी देखा होगा, क्या कहेंगी, क्या तासुरात हैं, क्या जज्बात हैं? इंडिया ने एक और मतलब तीसरा बड़ा मून मिशन करने जा रहा है। एग्जैक्टली, और तीसरा इंडिया का जो मिशन था चंद्रयान 3, इट वाज सो यू नो अनप्रडिक्टेबली ग्रेट मेरे ख्याल में। और अगर हम लोग बात करें, वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे उनसे बोला नहीं जा रहा था, मैंने उनकी मतलब वो लाइव जब देख रही थी तो वो लॉन्च हो रहा था, एंड दे वर लाइक सो हैप्पी, आंखों में उनके आंसू थे और वो स्माइल कर रहे थे, एंड इट वाज अ यू नो 4 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल, और फाइनली चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद, फेलियर हम उसको भी नहीं कहेंगे आई थिंक, क्योंकि वो चांद तक तो पहुंच गया था, सिर्फ लैंडिंग का जो था ना वो इशू था। अब सिचुएशन ये है कि वो लोग इतने ज़्यादा खुश थे, मतलब दे कुडंट इवन स्पीक, उनके वर्ड्स ख़त्म हो गए थे, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पेरिस में थे तब, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने कंग्रेचुलेट किया। फाइनली जो है चंद्रयान सक्सेसफुली जो है वो लॉन्च हो चुका है, 40 दिन के बाद जो है उसने होपफुली डेफिनेटली, उन लोगों ने जितनी 4 साल की स्ट्रगल की है, मेहनत की है ना, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस फॉर इंडिया। और ऑब्वियसली ऑलरेडी जो है इसरो is one of the biggest space organizations in the whole world, lekin takkar dene wala NASA ko ab। Amna, Chandrayaan 2 ki agar hum baat kare jo 2019 mein isro ne launch kiya tha, sirf landing se आधा घंटा पहले, मतलब जो भी मसाइल पेश आए, लैंड नहीं कर सका था, जो था डिफरेंस था, और सिर्फ जो है उनके टेक्निकल इश्यूज, उनका रابطہ मुनक़ते हो गया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने कहा था कि सेफ़ नहीं है। वरना वहाँ पर जो साइंटिस्ट थे उनका प्लान ये था कि वो 14 दिन वहाँ पर स्टे करेंगे, उस पर स्टडी करेंगे, और फिर जो है सिचुएशन ये होगी। चंद्रयान 1 वॉज सक्सेसफुल, एंड चंद्रयान 2 जो उसका सीक्वल था उसमें कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से वो लोग वापस आ गए थे। अब सिचुएशन ये है कि इस दफ़ा उनका प्लान ये है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे, और अगर सक्सेसफुली 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो फिर इंडिया वुड बी द फोर्थ कंट्री टू लैंड ऑन द मून। और ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है, एक चाइना, रशिया और अमेरिका के बाद अब इंडिया जो है, मतलब आप खुद देख लेना कि मतलब कितने बड़े बड़े कंट्रीज़ के साथ इंडिया का नाम अब लिया जाने लगा है। हम लोग जब बात करते हैं ना, मतलब लाइक आप, मैं या हम में से कोई भी जब बात करते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान, तो अब वो सूट नहीं करती बात। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, और अभी मैं पिछले दिनों में पढ़ रही थी जिस तरह से वो लोग ग्रो कर रहे हैं, और जिस तरह से अभी एक आर्टिकल जो है वो अमेरिकन एक बैंक की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई थी कि 2075 में अमेरिका तक की इकॉनमी को वो बीट करने वाला है, तो आप खुद देखें कि वो लोग कितने ज़्यादा लॉयल हैं।
मतलब इतना पैथेटिक फील करती हूँ ना मैं हमारी मैनेजमेंट को लेकर कि जब पाकिस्तान पे बात आती है ना तो हमारे यहाँ पर सिर्फ 3 से 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्पेस साइंस का जो है ना वो देते हैं प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र करते हैं। और मतलब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, मेरे बिल्कुल साथ में जो डिपार्टमेंट है वो स्पेस साइंस का है एंड इट इज़ पैथेटिक, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। बच्चों को इसरो पार्कों का ही नहीं पता। आप यहाँ मतलब हम लोगों ने आप लिटरली मैं आपको बताऊँ, मैंने जब इस नीच पर काम करना स्टार्ट किया था तो देयर वाज अ प्रोजेक्ट बाय इसरो, मुझे नाम तो आई थिंक गगनयान था, तो उन्होंने उनकी स्टडी करते हुए मुझे पता चला था कि पाकिस्तान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। आई वाज स्टडिंग अबाउट इसरोज़ प्रोजेक्ट, उनकी स्टडी करते हुए मुझे पता चला कि अच्छा यार पाकिस्तान का भी एक स्पेस प्रोजेक्ट है और उस स्पेस प्रोजेक्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है और उसका नाम स्पार्को है। उसने सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं अपने और 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, ना ही हमारे पास कोई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। सिर्फ पूरी दुनिया में 12 कंट्रीज़ के पास ये लॉन्च व्हीकल है, इंडिया इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग देखें कि मुझे पता ही नहीं था कि स्पार्को भी एग्जिस्ट करती है। आई डिडंट इवन नो, मतलब लाइक माइंड में ही नहीं आया कभी, इवन कि हमें तो कभी स्पेस आई, मतलब अगर आप बच्चे जो होते हैं ना बड़े इंथुजियास्ट होते हैं यार हमने ऐसे करना है हमने वैसे करना है। जब स्कूल में कॉलेज में हमारा पहला दिन होता है तो टीचर्स भी जब आते हैं तो पूछते हैं कि यार आपने क्या बनना है ना, मतलब लाइक अगर 60 की एक क्लास स्ट्रेंथ है तो उसमें डॉक्टर 30 तो डॉक्टर है पक्के हैं, ठीक है, 20 इंजीनियर है और बाकी जो 10 है ना वो बेचारे वैसे ही इतने डीमोटिवेटेड होते हैं कहते हैं हम टीचर बन जाएंगे। तो ए, मतलब कुछ तो ऐसे ही होते हैं यार, मैं तो हाउसवाइफ ही बन जाऊँ तो काफ़ी है। तो मतलब इस तरह की सिचुएशन। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस वहाँ की टेक्नोलॉजी और टैलेंट पर होती है कि उसमें कितना टेक्नोलॉजी और टैलेंट में उनके दम है। उन्होंने कहा इंडिया उनमें से एक है। तो मुझे बताएं कि अगर ये चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाता है, इसकी सॉफ्टली लैंडिंग हो जाती है तो इंडिया की इकॉनमी पर कितना असर पड़ने वाला है? मेरे ख्याल में जब आप ट्राई करते हो ना किसी भी चीज़ को, आप किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करते हो, 80% सक्सेस आपकी वही होती है, ठीक है। 20 अगर आपको रिजल्ट, आपने तो अपनी पूरी कोशिश की है ना, मतलब आप चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च हुआ था 2019 में, 2023 मतलब 4 ईयर का गैप उन्होंने दिया है, मेहनत की है, स्ट्रगल की है अपने चंद्रयान 3 मिशन के लिए, जितनी मिस्टेक्स जितना उन्होंने सीखा उसको सीख के अप्लाई किया अपने तीसरे प्रोजेक्ट पे। तो ये सारी सिचुएशन आप खुद देखें। अब सिचुएशन यहाँ पर ये है कि उन्होंने ट्राई किया है ना, ये ऑलरेडी उनकी सक्सेस है। आपको पता है जब 2019 में चंद्रयान 2 लैंड नहीं कर पाया था तो पाकिस्तान के वाले बड़ी तनकीद की थी, लेकिन कम से कम वो लोग स्ट्रगल करते हैं, ट्राई करते हैं, हम तो वो भी नहीं करते। गिव अप एंड दे डिडंट गिव अप, उन लोगों ने अपनी मिस्टेक से सीखा है और चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। ऐसा बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि मतलब यू नो हम लोग जिस तरह इंडिया की बाकी सारी न्यूज़ देखते रहते हैं उसको हम लोग बहुत डीपली जो है स्टडी भी करते हैं, तो ये नहीं हो सकता। मतलब लाइक बाकी तो 23 अगस्त को ही हमें न्यूज़ मिलेगी, लेकिन स्टिल पीपल वर रियली हैप्पी एंड वेरी कॉन्फिडेंट इंडिया के लोग। और बाकी जब हम खबरें देखते हैं ना जिस तरह सक्सेसफुली वो आगे बढ़ रहे हैं तो आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू हैपन एनीथिंग बैड विद देम। कासिम क्या कहोगे, इंडिया ने आज बड़ी कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया, कितनी बड़ी अचीवमेंट है, इंडिया का तीसरा मून मिशन है चंद्रयान 3। मैम देखें ये मामला तो इंडिया का ना, मैं सरप्राइज नहीं हुआ यकीन जाने, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आए दिन हमें मंथ में एक आधी खबर तो ऐसी मिल जाती है, कभी उन्होंने कोई गाड़ी निकाल दी, हम यहाँ पर तराना निकालते हैं वो गाड़ी निकाल देते हैं। तो लिटरली मैं सरप्राइज नहीं इतना हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि वो करते यही कोई पाकिस्तान करता तो मैंने कहा है यार झूठ होगा ये होगा वो। तो असल मसला हमारा ये है, मैं जिसका क्रेडिट इंडिया को देता हूँ वो उसकी एजुकेशन डिपार्टमेंट। आईटी अच्छी होगी तो आप इस तरफ जाएंगे ना, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट अच्छा होगा तो आप इतने बड़े एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे, वरना वही होता है कि यार आज मैं 16 फुट की कंध बना दी और मैंने ये 18 फुट की दीवार बना दी, यही चीज़ें होती हैं। और देखिए हम कंपटीशन में अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो बहुत पीछे रह गए हैं हम उनसे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारा इतना पीछे है ना मैम लिटरली, कि आप 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे, बल्कि आप एफ ए वगैरह या इससे भी ऊपर LLB के बच्चे से भी पूछेंगे ना, मैं LLB कर रहा था, मेरे जो 7 क्लास फेलोज उनसे पूछता हूँ ना इसरो स्पार्को क्या कहते हैं, वो पता नहीं कि यार हमारी किताब में नहीं आया। आप ये कह रहे हैं, मैंने यहाँ मार्केट में अभी तक कितने लोगों से बात की है कि आप चंद्रयान 3 पर बात करेंगे, मेरा ख्याल है किसी एक बंदे को शायद पता हो कि चंद्रयान 3 क्या है क्या। तो मसला ये है कि हमें पता ही नहीं कि हम जा किस तरफ रहे हैं।
अभी पाकिस्तान को उनको कम्पीट करने में या कम अज़ कम उनके साथ कदम के साथ कदम बढ़ाने में भी 200 साल लग जाने हैं, जो हमारी प्रोग्रेस है। इस लिहाज से अल्लाह करे हम जल्दी कर जाएं, हम भी दुनिया के साथ चलें, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, फिर अब एक्सपेरिमेंट के लिए बजट चाहिए, फिर वो कर्ज़ा उठाना पड़ेगा। तो ये हम बड़े फंसे में, अभी कर्ज़ा आया है, आप देख लें कर्ज़ा कहाँ जा रहा है। क्या आपको कोई ऐलान सुनने को मिला है कि यार हम इधर लगा रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे, कोई मामला नहीं। तो असल हमारा हमने तो आज तक अपनी कोई सैटेलाइट खुद लॉन्च नहीं की, हम हर चीज़ के लिए चाइना को देखते हैं, चाइना की मदद से। तो उनकी मेरे ख्याल 320 हैं, 335 वगैरह हैं सैटेलाइट, तो बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स। और मसला प्रॉब्लम यह कि हम ना ये खाने वाने के और ये रोटी कपड़े मकान की प्रॉब्लम से नहीं निकले, तो मैम कौन एक्सपेरिमेंट करेगा, हम बहुत पीछे हैं। हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट पर पैसा खर्च करना चाहिए, जितना हम F-16 पर लगाते हैं एक बजट जो है ना, वो सॉरी मेरी बात कहीं और ना चली जाए, मैं सिर्फ वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, उतना बजट हम एक अच्छे एजुकेशन डिपार्टमेंट पर लगा देना, तो आपका स्टूडेंट, आप फिर आपका रिव्यू होगा ना, जो उनको पता होगा चंद्रयान क्या है। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी और टैलेंट के दम पर ही कोई मुल्क तरक्की करता है, और इंडिया में ये सब कुछ है, इसलिए आज इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है। मैम सॉरी टू से, अब हम तो इंटरनेट का पैकेज भी लगाते हैं ना, तो मैं अभी नाम नहीं ले सकता कि क्या क्या देखने के लगाते हैं। हमारी जो IQ लेवल है, जो सोच का लेवल है, यकीन जाने वो फुट एक पाँव से नीचे है। यकीन हकीकत यही है, आप इंडिया का नाम किसी गाँव में ले लें, वो कहते हैं यार तू तो सारा दुश्मन है, मारने तक जाएंगे। आप उनको समझाओगे यार ये देखो, वो क्या था ना, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, वो पहले आप तो पढ़ दो, दुश्मन के बच्चे पढ़ के चंद्रयान चढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर जो पढ़ता वो खुद जात बन जाता है। जब 2019 में इंडिया ने अपना चंद्रयान 2 मिशन किया था, तो वो लैंडिंग नहीं कर पाया था, जिस पर पाकिस्तान ने बड़ी तनकीद की थी। मैम ऐसे ही होता है, जो कौम कुछ नहीं कर सकती, कम से कम जुगत तो कर रही है ना, यानी हम मीम्स की तरफ रह गए हैं। हमारा यही तो प्रॉब्लम है कि हमें सिर्फ बता दिया गया कि आपने फेम हासिल करना है, चाहे वो टिकटॉक से मिल जाए, चाहे वो इधर से मिल जाए, और घर में कोई काम नहीं करना। आपके 97% जो बच्चे हैं, ये झूठ है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा रहा है, सब झूठ है। 97 बच्चे आज भी 10वीं क्लास तक नहीं पहुंचते। आप तो ये देखें, आप ये बरकत मार्केट में, लिबर्टी में, आप ज़रा सा 75% पाकिस्तानी जो इलाका है वो देहात का, गाँव का इलाका है। आप एक मेरा गाँव विज़िट कर लें, यकीन जाने अगर 1000 में से 10 बच्चे भी अच्छे लेवल पर पढ़े हुए तो मुझे पकड़ लीजिए। अच्छा क्या लगता है कि इंडिया का ये चंद्रयान 3 क्या चांद पर लैंडिंग कर पाएगा? मैम आज नहीं करेगा तो कल कर लेगा, वो फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो हम जैसे तो नहीं ना कि यार जुगत के लिए बैठ के वो फिर काम करेंगे। और जब बंदा मेहनत करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, तो वो फिर कामयाब होता है। वो एक्सपेरिमेंट तो करते हैं ना, हम तो वो भी नहीं करते, यही मसला है। मैं यही तो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हमारा मसला है, हम जुगत तो कर सकते हैं ना, मीम्स तो बना सकते हैं बैठ के कि इंडिया ने ये कर दिया, वो क्या होगा जिस दिन वो कामयाब हो जाएंगे, क्या होगा जिस दिन उनकी, आप ये देखें, हमने मीम्स बना बना कि उनकी इंडस्ट्री और हमारी इंडस्ट्री देखें, आपके स्टार रुल रहे हैं यहाँ पर, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई ये बेच रहा है, आपके पास एक ही डिपार्टमेंट अच्छा है, वो है शूज़ वाला, उसको आप पैसे देते रहे, और बाद में वो जब रिटायर होगा तो 2,200 किला पहली, 1,000 किला पहली, वो फसलें ये वो आप जगह दें, ज़मीनें दें, इंजॉय कराएं। और एक बार आदमी याद रखेगा, टांग हमारी इतनी ऊपर होती है, टांग हमारी ऊपर जाती है, वैसे हम चाहे पूरे के पूरा जिसम नीचे चला जाए, हमने क्या करना उस टांग को कि जी हमने टांग आज बॉर्डर पर देखी वो चलेगी। मैं किसी को टॉन्ट नहीं कर रहा, लेकिन रियलिटी भी बर्दाश्त करनी चाहिए। क्या होगा कि हमने इतनी टांग ऊपर कर ली और पीछे देखें, वो वाली मिसाल है कि घर में खाने को कुछ नहीं, बाहर कैमरे लगाए हुए हैं कि हमारे अंदर है कुछ नहीं, हमने क्या किया होगा। स्मगलिंग का काम उधर होता है सारा, हमारे पास ये काम बड़े हैं। अच्छा। यकीन जाने स्मगलिंग का काम, अफीम, मैं हकीकत है मैम, आप हंस रही हैं, कसम अल्लाह की नॉलेज ही ये है। इसरो स्पार को किसको बता, आप पूछे इधर से चर्च अफीम का कारोबार किधर है, वो आपको बताएँगे। हमारी कौम को उन्होंने बेरारवी के शिकार होगी, हमारी जो यूथ है 90% बेरारवी, उसको पता ही नहीं उसका। आप किसी से इंटरव्यू लेंगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है, वो क्या गल है, वो 10वीं करनी है तो अबे की दुकान आलू वाली संभालनी, दैट्स इट, वो आटे वाली चक्की संभालनी है, ये संभालना है। एक बंदा मुझे जिस दिन मिल जाए ना आपको ये कहे यार मैंने स्पार्को में काम करूंगा, मैं इसरो का मुकाबला करूंगा, मैं स्पेस पे जाऊंगा, उस दिन मुझसे पार्टी खा लीजिएगा। सिद्रा कैसी हो आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ सना कैसे हो? मैं ठीक। सिद्रा, इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन
लॉन्च कर दिया है, क्या कहेंगी? पूरा भारत इस वक्त खुशी से नाच रहा है, गा रहा है। पाकिस्तानी कितने खुश हैं, कितने दुखी हैं, बता दें ज़रा। पहली बात तो ये कि मैं इंडिया को कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगी इस बात के ऊपर, एंड दिल से खुशी हो रही है कि उन्होंने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, एंड हम होप भी यही करें कि वो स्मूथ लैंडिंग करें मून पर, एंड इंडिया अपनी हिस्ट्री बनाए एक बार फिर से। और इंडिया वैसे भी हिस्ट्रीज बना रहा है, एंड बीइंग अ पाकिस्तानी की मैं बात करूँ तो मैं उनकी रात को भी वीडियोज़ देख रही थी बैठ के, जो शॉर्ट क्लिप्स आई हुई हैं चंद्रयान को लॉन्च करने की, तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही थी कि इंडिया इज़ ग्रोइंग एंड बहुत ज़्यादा वो अपने आप को आगे लेके जा रहा है। एंड अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी आवाम यही बात करती है कि इंडिया ने क्या कर लेना लॉन्च करके, पहले फेल हुआ है, अब भी फेल होगा, तो मेरे ख्याल में कोई पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए आपको दोनों नेशंस को, ताकि कि एक अच्छा मैसेज होता है कि हमने एक चीज़ लॉन्च की है एंड पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट करिए, पूरी दुनिया अप्रिशिएट करेगी लेकिन पाकिस्तानी वहाँ अप्रिशिएट नहीं करेगी। अच्छा, अभी क्योंकि हम इस मार्केट में मौजूद हैं, आप भी यहाँ पर हैं, बहुत सारे पाकिस्तानियों से जब हमने इस पर बात करने की कोशिश की तो उन्हें पता ही नहीं था कि चंद्रयान 3 है क्या, इसके पीछे क्या वजह आपको नज़र आती है? मतलब इतना बड़ा मिशन होने जा रहा है, 650 करोड़ का खर्चा किया गया है, 4 सालों की इंडिया की साइंटिस्ट की इसरो की मेहनत है, लेकिन पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है चंद्रयान 3 क्या है। इसकी बेसिक जो वजह नज़र आती है ना हम लोगों को, जो यूथ को नज़र आता है, इस लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ एजुकेशन। हमारा एजुकेशन क्वालिटी अच्छा नहीं है, अगर एजुकेशन क्वालिटी अच्छा होता, हमने इंटरेस्ट लिया होता तो हमें पता होता कि चंद्रयान 3 क्या है। 1, 2 तो भूल ही जाओ, चलो 3 का तो हमें पता होता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये भी पता होगा कि स्पार्को क्या है एंड इसरो क्या है। आपको ढूंढना पड़ता है लोगों को कि अच्छा आपको स्पार्को का पता है, आपको इसरो का पता है, तो ये काइंड एम्बैरेसिंग थिंग होती है कि हमें स्पार्को के नीचे पता, तो इसरो को खाक जाएंगे। सिर्फ नासा का पता होता है, क्यों पता होता है, वो भी एक लाइन मेंशन की होती है हमारी साइंस की बुक्स में कि नासा ये है, वो ये काम करती है, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता उसका। हमारी हुकूमत की गलती है, हमारा सिलेबस नहीं चेंज करवाते हैं, हमारे बच्चों को नहीं बताते हैं, प्राइमरी में बच्चों को बता देना चाहिए, उनके लिए एक अलग सेशन होना चाहिए इस चीज़ का। सिद्रा, ये 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी में भी अगर हमारे बच्चों को स्पेस एजुकेशन या साइंस के एजुकेशन के बारे में इल्म नहीं होगा तो ये फिर हमारे सियासतदानों के लिए डूब मरने का मुकाम है। वो डूबेंगे भी नहीं क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं। खैर, तो इंडिया ने पानी छोड़ा, मैं भी वही कह रही थी कि इंडिया ने काफ़ी रावी में पानी छोड़ा है, लेकिन क्या करें, एक होता है ना बंदे थोड़ी सी शर्मिंदगी फील होती है, ये प्रोग्रेस कर रहा है, ये प्रोग्रेस कर रहा है। अगर पाकिस्तान में साथ वाला घर प्रोग्रेस करेगा हमें जलन होगी, इंडिया प्रोग्रेस करते हैं ना तो डेफिनेटली हमें जलन होती है। हमें सीखना चाहिए, हम ऐसे ढीठ लोग हैं, हम सीखते नहीं हैं, हम तंज करते हैं, हम उनके फेल होने का इंतजार करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि इंडिया को इस बात पर प्राउड होना चाहिए कि पिछली बार जो टेक्निकलिटीज़ आई, टेक्निकल प्रॉब्लम आई, इस बार इंडिया ने बड़ा देखभाल के काम किया कि नहीं ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। तो हम कैसे करें, हमें पता ही नहीं है, हम पैसे नहीं लगाते हैं, पैसे लगाएं भी कैसे, हम गाड़ियां कहां से ले गएंगे, 400 मिलियन का झंडा कहां से बनवाएंगे। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लोगों के अंदर और पाकिस्तानी अवाम कह लें कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना उसने इतना कह लें कि एक किस्म का मेंटल कर दिया है, वो नहीं समझ आ रही कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एजुकेशन क्वालिटी, सिंध का आई थिंक एक मिनिस्टर था एजुकेशन का ही था, तो ना उसने बात की, कहते हैं आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप जाली डिग्रियाँ लेके फिर रहे हैं, तो कहते डिग्री डिग्री है, चाहे जाली हो चाहे ऐसी हो, डिग्री डिग्री इज डिग्री। तो आप खुद देखेंगे जब एक ऐसे बंदे को पोस्ट पे बढ़ा दिया गया है जिसका ना वो इदारा है, जिसको ना पता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको पता है इस बार भी जो लैपटॉप्स की स्कीम आई है ना कि स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स मिल रहे हैं, वो भी ऐसे इस तरह से मिले हैं कि सिफारिश पर मिले हैं, इतनी शर्मिंदगी की बात है भाई। आप उसके कैपेबिलिटी पे दो, काबिलियत पे, ये हमेशा होता है, पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी में अगर कोई मुल्क तरक्की करेगा तो वो अपनी टेक्नोलॉजी और टैलेंट के दम पर करेगा। इंडिया तो तरक्की कर रहा है और वो पूरी दुनिया को बता रहा है कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी है, इनोवेशन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन पाकिस्तान में क्या है? हम कहते हैं पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, तो वो कहाँ छुप गया पाकिस्तान का टैलेंट जो पूरी दुनिया को तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तानी कह रहे हैं हम में बहुत टैलेंट है। आज तक एक अपनी सैटेलाइट हम लॉन्च नहीं कर सके, कैसा टैलेंट है हम में? यही तो टैलेंट है, इनविजिबल टैलेंट है, हमारे पास एक क्लॉक है जिसमें नज़र नहीं आता है। हम सिर्फ ये कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जब करने की बारी आती है हम ठुस हो जाते हैं। वो जैसे 2 रुपये के पटाखे नहीं मिलते, टाइम पे चल जाएगा लेकिन चलते चलते ख़त्म हो जाता है। यही प्रॉब्लम है कि हमने कभी सीखा नहीं है, ना हमें कभी सिखाया गया है। उनके माइंड्स को इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि मुझे ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है, उन्होंने ना हर चीज़ के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनाया है। किसी को डांसिंग का शौक है, अलग प्लेटफॉर्म है, सिंगिंग का शौक है, अलग प्लेटफॉर्म है, किसी को आईडी का शौक है, अलग प्लेटफॉर्म है, किसी को स्पेस का शौक है, अलग प्लेटफॉर्म है।
उन्होंने उनके शौक के मुताबिक आपको कहें कि इंट्रोड्यूस करवाई हैं चीज़ें। उनका हर मिनिस्टर अपने सेक्टर को बड़े अच्छे से लुक आफ्टर करता है और उसके लिए दिलो जान से मेहनत करता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है हमारा, हमें सिर्फ इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बन जाओ, आईसीएस नहीं कर सकते हो, आईकॉम करके क्या करना है, ये दो फील्ड्स हमारे लिए रह गई हैं। मैंने ये भी देखा था कि पता नहीं कौन सी सिटी स्टेट थी इंडिया की, वहाँ पर जो मिनिस्टर है उसने कहा है कि सिर्फ हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं प्रोड्यूस करेंगे यहाँ से, डांसिंग की क्लासेस अलग हैं, उनकी कहने की थिएटर की क्लासेस अलग हैं। बच्चे ऐसे शौक रखें वो अगर स्टडीज़ में नहीं अच्छे कोई बात नहीं है, टैलेंट उनमें होना चाहिए। पाकिस्तान का टैलेंट ऐसा है गली नुकरों में खड़े हो जाओ, लड़कियां छेड़ लो, कोई जा रही है उसको बोल दो आओ हम आपको छोड़ दें, ये नहीं कहना कि चलो घर बैठ के हम कुछ इनोवेट कर लें, कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह कर लें, कुछ ऑनलाइन क्लासेस ले लें, कुछ सीख लें। कैसे सीखेंगे जब हमारे हुक्मरानी बीए पास भी हैं कि शायद नहीं है, और उनका जो लीडर है वो पॉलिटिकल साइंस कह लें कि ग्रेजुएटेड है, तो काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है हम लोगों को। अब जब हम खुद सुधरना नहीं चाह रहे हैं, हम खुद देखना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हाँ हम किसी पे हंसना ज़रूर चाह रहे हैं। सिद्रा क्या लगता है चंद्रयान 3 सॉफ्टली लैंडिंग कर पाएगा या नहीं, क्योंकि चंद्रयान 2 जो है वो लैंडिंग नहीं कर पाया था, तो इस दफ़ा कितने परसेंट चांसेस हैं, और क्या आप चाहती हो कि चंद्रयान 3 सॉफ्टली लैंड करे और अपना मिशन जो है वो कंप्लीट करके वापस आए? एग्जैक्टली हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, स्पेशली क्योंकि हम प्रोग्रेस देख रहे हैं और इस प्रोग्रेस को हम दिल से अप्रिशिएट करते हैं, एंड हम प्रेयर्स भी यही कर रहे हैं कि इस बार जो चंद्रयान 3 है वो स्मूथ लैंडिंग करे मून के ऊपर, जैसे स्मूथ लाइक बटर नहीं होता बिल्कुल वैसी लैंडिंग करे, एंड इंडिया अपनी हिस्ट्री बनाए और चौथे नंबर पर आए आफ्टर रशिया, चाइना एंड USA, तो ये बड़ी फ़ख्र की बात होगी इंडिया के लिए, एंड स्पेशली हम आपको अप्रिसिएशन करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, एंड हमारी बेस्ट विशेज सारी की सारी आपके साथ हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह।